जब जब भारत के मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप्स की बात होगी तब तब अनुपम मित्तल का नाम जरूर आएगा, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे समय में एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की थी जिसने सही मायने में लोगों की जिंदगी बदलने में अहम भूमिका निभाई है। आप में से जिन्होंने शार्क टैंक देखा होगा वो तो इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, पर जिन्होंने शार्क टैंक नहीं देखा उनको बता दें कि अनुपम मित्तल पीपल ग्रुप के फाउंडर और सीईओ हैं। शादी.com जो कि एक मैट्रिमोनियल साइट है वो इसी ग्रुप का हिस्सा है और इसकी शुरुआत अनुपम मित्तल ने ही की थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे अनुपम मित्तल ने सगाई.com की शुरुआत करी और फिर उसे सगाई.com से शादी.com बनाया, और कैसे इसको भारत जैसे देश जहां लोग कंजर्वेटिव होते हैं वहां ना केवल चलाया बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स में से भी एक बनाया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 23 दिसंबर 1971 से, जब मुंबई की एक सीधी सादी मारवाड़ी फैमिली में अनुपम मित्तल का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम गोपाल कृष्ण मित्तल और माँ का नाम भगवती देवी गोपाल कृष्ण मित्तल है। अपनी शुरुआती पढ़ाई उन्होंने इंडिया में ही की है। 90 के दशक में ग्रेजुएशन करने के बाद अनुपम यूनाइटेड स्टेट शिफ्ट हो गए और वहाँ उन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में MBA किया। MBA करने के बाद उन्होंने माइक्रो स्ट्रेटेजी नाम की एक कंपनी में बतौर प्रोडक्ट मैनेजर भी काम किया। ये वो दौर था जब यूनाइटेड स्टेट्स में इंटरनेट बूम पर था, हर जगह इंटरनेट का यूज बढ़ रहा था और नेटस्केप जैसी कंपनीज लोगों के लिए मोटिवेशन का काम कर रही थी। लोगों को लगने लगा था कि अगर वो किसी प्रॉब्लम का ऑनलाइन सोल्यूशन ढूंढ सके तो उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उस समय अनुपम US में काम करते हुए साल में एक आध बार इंडिया भी आ जाते थे। इस टाइम पर लोग उनकी शादी के लिए अलग अलग रिश्ते भी भेजा करते थे, तो ऐसे में वो इन मैच मेकर्स से काफी परेशान हो चुके थे। फिर इनको इंडिया में इन्हीं मैच मेकर्स ने एक ऐसा आइडिया दिया जो ना केवल इनकी बल्कि इनके साथ लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाला था। अनुपम ने सोचा क्यों ना एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जहां जो इन्फॉर्मेशन ये मैच मेकर्स के पास होती है वो इन्फॉर्मेशन उस पोर्टल पे डाल दी जाए जो मैच मेकिंग में लोगों की मदद कर सके। इसी सोच के साथ 1997 में शुरू में सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने सगाई.com की शुरुआत करी। ये बिजनेस कम और एक्सपेरिमेंट ज्यादा था क्योंकि इंडिया में उस समय इंटरनेट बहुत ही कम लोगों के पास तक पहुंचा था, इसीलिए अनुपम का मेन फोकस अभी भी उनकी जॉब पर ही रहता था। वर्ष 2000 में जब .com बबल बर्स्ट हुआ तो यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत से बिजनेसेस को नुकसान तो हुआ ही, साथ ही बहुत से लोगों की नौकरियां भी चली गई। अनुपम जिस कंपनी में काम करते थे उसको भी काफी नुकसान हुआ। ये बस कुछ ही समय की बात थी कि उनकी भी नौकरी चली जाती। यही वो समय था जब अनुपम मित्तल ने सोचा कि क्यों ना उनके एक्सपेरिमेंट को बिजनेस का रंग दिया जाए और वापस इंडिया आकर उनके इसी प्रोजेक्ट पर काम किया जाए। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और इंडिया आ गए। यहाँ से उन्होंने अपनी मैट्रिमोनियल साइट पर पूरा फोकस किया और मेहनत शुरू कर दी। अब इसका नाम भी बदलकर उन्होंने शादी.com कर दिया। शुरुआती समय में शादी.com के लिए उसकी टारगेट ऑडियंस NRIs थे जो दुनिया के अलग अलग कोनों में रहते थे पर शादी अपनी कम्युनिटीज में ही करना चाहते थे। ऐसे में शादी.com ने इन्हीं लोगों पर फोकस किया और बस कुछ ही समय में अनुपम की इस वेबसाइट पर विजिटर्स आने लगे और जल्दी ही उनकी वेबसाइट के जरिए लोगों ने शादियां भी करनी शुरू कर दी और कुछ इस तरह अनुपम मित्तल के इस बिजनेस को अर्ली सक्सेस मिलने लगी। यहाँ से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो हर दिन के साथ ऊंचाइयों की तरफ ही बढ़ते गए। 2005 तक वो अमेरिका में रहते हुए ही मार्केट एस्टैब्लिश कर चुके थे और इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले इंडियंस के बीच भी शादी.com को पॉपुलराइज किया और जबरदस्त मार्केटिंग कैंपेन्स की मदद से शादी.com को घर घर तक पहुंचाया। 2004 में ही पीपल ग्रुप को ऑफिशियली भी शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य इंटरनेट और मोबाइल स्पेस में काम करना था। शादी.com के अलावा अनुपम मित्तल ने मकान.com की भी शुरुआत की जो कि एक प्रॉपर्टी रिलेटेड वेबसाइट है। यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बीच जो गैप था अनुपम ने वो कम करने की कोशिश की है। इसके अलावा टिकटॉक के बैन होने के बाद उन्होंने मौज ऐप की भी शुरुआत की है जो कि लोगों में काफी पॉपुलर भी है। इस सब के अलावा अनुपम मित्तल मूवीज में भी अपने हाथ आजमा चुके हैं। अनुपम मित्तल न केवल नई नई कंपनीज बनाते हैं बल्कि वो कई कंपनीज में एक बड़े इन्वेस्टर भी हैं। वो इंटरक्टिव एवेन्यूज, ओला कैब्स, ध्रुवा, सेपियंस, जैपजेट, जेपोर्ट, नियर डॉटन, ट्रूबिल और बीटा आउट जैसी 40 कंपनीज में इन्वेस्टर हैं जो उनकी बिजनेस की समझ को दर्शाता है। इनके बिजनेस सेंस की ही बात हो रही है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आज अनुपम मित्तल की नेटवर्थ 200 करोड़ से भी ज्यादा आंकी जाती है। तो दोस्तों ये थी अनुपम मित्तल की प्रोफेशनल लाइफ। वहीं अब उनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने 2013 में मॉडल आंचल कुमार से शादी करी जिनसे आज उन्हें एक बेटी भी है। हाल ही में अनुपम मित्तल शार्क टैंक TV सीरीज में भी नजर आए थे जहां लोगों को उनका नेचर काफी पसंद आया। यहां तक वो काफी मेहनत के साथ पहुंचे हैं इसीलिए वो लोगों को समझते हैं और ये उनके व्यक्तित्व में झलकता भी है। हम उम्मीद करते हैं कि अनुपम मित्तल इसी तरह काम करते रहें और लोगों के लिए अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स बनाते रहें। देखा जाए तो सही मायने में लोगों के जीवन को इन्हीं ने छुआ है और कई लोगों को लाइफ पार्टनर्स ढूंढने में भी उनकी अहम तरीके से मदद की है।
तो दोस्तों ये थी कहानी शार्क टैंक के लोकप्रिय जज और शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।